ये है मेरी हानिकारक बीवी, ये नसबंदी के ऊपर है, वसेक्टमी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एंड एक सीरियस टॉपिक को हम एक लाइट हार्टेड तरीके से लोगों को पेश करने वाले हैं। मुझे ये पहले मैं श्योर नहीं थी, बिकॉज कुछ ऐसा ही कैरेक्टर मैंने किसी और चैनल के लिए किया था, एंड आई वाज़न्ट श्योर कि मैं वही करूं, कुछ और अलग करूं, क्या करूं, बट सोनाली जाफर जो हमारी प्रोड्यूसर है, मयूरी जो हमारी क्रिएटिव है, उनको मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो आई वेंट विद दैट एंड आई डिसाइडेड टू डू इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ब्रिजेश पांडे का जो है बीपी, तो ये कैरेक्टर है जिसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, ये फनी भी है, ये कमीना भी है, ये रुलाएगा भी, ये हंसाएगा भी, तो ये सब कुछ इसमें, मतलब कॉमेडी विलेन वैम्प, कोई एक वर्ड मुझे सोचना पड़ेगा है ना, नया वर्ड ऐसे लोगों के लिए। जब मुझे पता चला इसके बारे में, आई वाज लाइक वाओ, मेकर्स और चैनल बोल्ड है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, क्योंकि ऐसे टॉपिक को छेड़ना, कंसिडरिंग इंडिया यू नो इट्स सच अ टैबू टॉपिक वैसेक्टमी, तो आई वॉज गेम ऑन, लाइक बैंग ऑन। एंड मैंने जब कैरेक्टर सुना, मुझे जब सुनाया गया एंड लाइन्स दिखाई गई, तो आई वेंट बर्जर्क, आई फ्रीक्ड आउट, मुझे इतना अच्छा लगा ये कैरेक्टर, एंड देन आई गॉट कोस्टार्स व्हिच आर फैबुलस। हर सीन में एक अलग शेड का, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, यहाँ पे झूठ, वहाँ पे झूठ, यहाँ पे यू नो, तो वो कभी रोता है, कभी हंसाता है, तो टू वर्क ऑन द कैरेक्टर, बिकॉज ये कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स है ना, तो एक आपको सुर पकड़ नहीं सकते, बट वो जो पति है, बस पति का पकड़ के चलो तो निकल जाऊंगा मैं। ये जो एक वर्ड है, कोई शर्मनाक वर्ड नहीं है, ये कोई गाली नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक ट्रीटमेंट है जो मेडिकल साइंस है, यू नो, तो लोग जब आई ऑपरेशन का बोलते हैं या हार्ट ऑपरेशन का बोलते हैं, तो इस चीज़ का क्यों नहीं बोलते, नसबंदी का क्यों नहीं बात करते हैं, वसेक्टमी की क्यों नहीं बात करते, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट पार्ट, यू नो, बट वो एक मेडिकल साइंस है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, एंड एक इंडिविजुअल चीज़ है, लोगों की अपनी ज़रूरतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, तो जिसका ये एक सोल्यूशन है, सो इट इज़ नॉट, हाँ हमारी कंट्री में इसको टैबू माना जाता है, बट आई एम श्योर बाहर की कंट्रीज में इतना टैबू नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। और पहले कॉन्डम और इन सब चीज़ों के लिए भी शर्म लगती थी, बट अब इट्स नॉर्मल, उसकी एड्स बनती हैं, थोड़ी टाइम में अगर भगवान करे हमारे शो के थ्रू वी कैन ओपन द विस्ता फॉर पीपल इन देयर हेड, उनकी भी वैसेक्टमी हो जाएगी, तो वैसेक्टमी इज नॉट सच अ बैड थिंग, सो टू प्रूव अ मैन इज अ मैन, सो आई थिंक ये शो के जरिए अगर एक आदमी का भी सोच, मतलब हम 10,000 या लाख के नहीं, एक आदमी की सोच भी अगर चेंज हो जाती है, तो आई थिंक इट इज अ जॉब वेल डन, एंड क्रेडिबिलिटी टू द चैनल, टू द प्रोड्यूसर्स जो एक ऐसा शो लेकर आए हैं। हाल ही फिलहाल में आयुष्मान खुराना की आई थी शुभ मंगल सावधान, तो कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, लेकिन उसको बहुत ही लाइट हार्टेड एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि किसी की फीलिंग्स को वो हर्ट ना करे। तो ऑन द सिमिलर बेसिस हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे बंदे की नसबंदी हो जाती है, और ऐसा कुछ टेलीविज़न पे पहली बार आ रहा है, बट एक्चुअली इसको जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को, कि एक जो मेल मेम्बर होता है परिवार का, उसका काम सिर्फ वंश को आगे बढ़ाना नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो महत्वपूर्ण होती है और वो ज़्यादा मायने रखती है। तो आप शो में देखोगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मायने रखती है। मर्दानगी एक ही चीज़ में नहीं होती कि वंश आगे बढ़ाना है, एंड ये सब एक दिमाग में बिठाया गया है कि ये चीज़ ऐसे होता है, मर्द ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें मर्दानी है एंड ऑल दैट, तो इट्स टाइम टू ब्रेक दैट, लेट्स टॉक अबाउट नसबंदी, लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। ये तो मैं पहले एपिसोड से ही बोलती रहूँगी मैं इसमें शो में, तो आई फील इट्स टाइम, लेट्स टेक अ स्टेप फॉर इट, बट वी आर पोर्ट्रेइंग इट इन अ वेरी फन वे। शो को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जैसे एक इंसान को बुखार आता है, उसी प्रकार से ये भी एक तरीके की बीमारी है जो हमें एक खुलकर बात करनी चाहिए, और ये भी दिखाएंगे कि ये जो मेल मेंबर है परिवार का, जो सदस्य होता है, वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक ह्यूमर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक अच्छा मैसेज इस तरीके से देंगे कि ऑडियंस को वो अच्छा लगे।